वेलकम बैक टू अगेन फ्रेंड। इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं जेबी पंत पंतनगर कैंपस के बारे में। हम रिव्यू करेंगे और इसके बारे में डिटेल जानेंगे, यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेस होते हैं और क्यों कैसे ये कॉलेज, कैसे ये यूनिवर्सिटी अच्छा है, और गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी का पूरा हम रिव्यू करने वाले हैं इस वीडियो में। और ये जो आपका थोड़ा सा हिस्ट्री जान ले, तो ये आपका स्टार्टिंग 1968 में कैंपस स्टार्ट हुआ है, 1960 में कैंपस स्टार्ट हुआ है। और जो गोविंद बल्लभ पंत जो जिनके नाम पर ये कॉलेज रखा गया है, ये उत्तर प्रदेश के फर्स्ट सीएम थे, उनके याद में ही इसका नाम चेंज, पहले से स्टार्टिंग हुआ था, दूसरे नाम से स्टार्ट हुआ था। और जो हमारे इंडिया के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। देन उसके बाद आपका फर्स्ट सीएम का नाम से इसका नाम चेंज करके गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी एंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कर दिया गया। और इसकी लोकेशन की बात करूँ तो इसका लोकेशन आपका उधम सिंह नगर यानी पंत नगर में है आपका इसका लोकेशन। और यहाँ पर आपको कोर्सेज जो मिल जाएंगे इस कैंपस में, यूजी पीजी एंड पीएचडी कोर्सेज मिल जाएंगे और बहुत सारे कोर्सेज कैंपस में देखने को मिल जाएंगे। और गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी जो आपका कैंपस है काफी बढ़िया है, और इंडिया में बात करें तो आपका एग्रीकल्चर के लिए काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, और मेरे हिसाब से इसका टॉप 1-2 की रैंकिंग हमेशा रहता है। और काफी अच्छी यूनिवर्सिटी के साथ साथ एक अच्छा इन्वायरमेंट भी यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर वही बात करूँ कोर्सेज में, जो यूजी में जो कोर्सेज ऑफर करता है ये पंत नगर कैंपस आपका, उसमें आपका पहला कोर्स है बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के लिए ऑफर करता है इसमें, फिर बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी वेटनरी साइंस आपको कोर्सेज यहाँ देखने को मिल जाएगा। फिर आपका यहाँ पर कोर्सेज मिल जाएगा बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक ब्रांच मिलेगा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आपको मिलेगा, काफी अच्छा यहाँ पर डिमांड है। बीटेक के साथ आपको सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, उसके साथ आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी ब्रांचेस आपको यहाँ मिल जाएगा। यूजी में आपको लगभग टोटल 16 कोर्सेज जो है आपका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में मिल जाता है। इसके लिए आपको कंपलसरी होता है 12th क्लास पास आउट होना कंपलसरी है। साथ साथ आपका जो उत्तराखंड से बाहर के जो स्टूडेंट है ये भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 2022 में सबके लिए ओपन हो चुका है, तो जो उत्तराखंड के बाहर वाले भी यहाँ पे अपना अप्लाई कर सकते हैं। वही बात करूँ मास्टर डिग्री में, तो मास्टर में भी आपको यहाँ पर 68 कोर्सेज देखने को मिल जाता है, और मेजर बहुत सारे स्पेशन है कल्चर के जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जब आप इनकी वेबसाइट को ओपन करोगे तो आपको हर चीज कोर्सेज की जानकारी वहां से मिल जाएगा। वही आपका पीएचडी में आपका 53 पीएचडी कोर्सेज यहाँ ऑफर होता है, ये सारा कुछ आपको वेबसाइट पर दिया हुआ है। तो इसके ये कोर्सेज की बात हुआ, वही अगर बात करूँ फी भी, फी भी बहुत ज्यादा नहीं है इसका। अगर फी की देखा जाए तो फी आपका जो एग्रीकल्चर के लिए आपका बीएससी जो फीस है 42,000 पर एनम फीस है, वही अगर बीटेक का देखा जाए तो 61,000 पर एनम फीस है आपका। और उसके बाद जितने भी कोर्सेज के फी हैं आपको सारा कुछ मैं अपना डिस्क्रिप्शन आपको लिंक दे दूंगा, वहां सब चेक कर लेना। उसके बाद इसमें एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ तो इसका खुद का एप्लीकेशन फॉर्म होता है, इस फॉर्म के थ्रू ही निकलता है। उसके बाद फॉर्म फिलअप करने के बाद भी आपको मेरिट लिस्ट बनता है, उस मेरिट के आधार पर यहाँ पर एडमिशन होना है। और आपका स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ साथ बहुत ही अच्छी डिमांडेड यूनिवर्सिटी इंडिया में, और आप अगर उत्तराखंड में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको जरूर रखो, क्योंकि यार बहुत बढ़िया है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उनसे लाख गुना बढ़िया है आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी आपको यहाँ मिल रहा है। और इसकी जो डिग्री है खासकर बीएससी एग्रीकल्चर का, वो आईसीआर अप्रूव्ड है, और आईसीआर में देखा इसका रैंकिंग तो टॉप 2 में आता है इसका रैंकिंग, यानी कि 1-2-3 के ही हमेशा रैंकिंग में बना रहता है आपका। एनआरएफ रैंकिंग में इसको बढ़िया मिला हुआ है, 2022 में जरा चेक करो वहां पर। बाकी ये कुछ बातें रहा, और इसके बारे में कुछ और भी आपको डिटेल जानना हो तो आप मेरे से पर्सनली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, चाहे मेरे से व्हाट्सएप पर कनेक्ट होकर अपनी डिटेल्स को जान सकते हो। बाकी फ्रेंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, मोर अपडेट्स के लिए आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेगा।